हेलो दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है खोजी अनुपम यूट्यूब चैनल में। और एक बार फिर से हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक बहुत धमाकेदार व्लॉग। शाम खेत की वादियों से आ गए हैं ऊपर नदी की तरफ और देख सकते हैं लोकेशन कितनी ही खूबसूरत लोकेशन है यहाँ पे पूरी देख सकते हैं। और ये देखिए नीचे नदी बह रही है। तो आज हम नदी पर तो गए थे लेकिन हमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला वहाँ, एनाकोंडा। पता नहीं कौन सा स्नेक था, काफ़ी बड़ा वहाँ पे स्नेक हमको देखने मिला। और आज मेरे साथ नवल भाई हैं MCM ट्रैवल ब्लॉग से। तो हेलो नमस्कार, आप सभी इंट्रोड्यूस करेंगे भाई। सभी का स्वागत है खोजी अनुपम चैनल में। और आज एक हमारा अलग सा ये ब्लॉग होने वाला है। मैं पहली बार आज फूड ब्लॉगिंग भी करूँगा साथ में ट्रैवल ब्लॉगिंग के साथ साथ। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में। काफ़ी अच्छा आज ये ब्लॉग होने वाला है, तो बने रहिए और देखते रहिए आज क्या क्या हम करने वाले हैं। लेकिन मौसम भी मेहरबान हो रहा है थोड़ा सा, अभी तो बारिश हो रही थी लेकिन अब थोड़ी सी थोड़ी धूप निकलने लगी है। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं अपनी टेंट लगाने की और फिर बाकी प्रोसेस दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे पूरा क्या क्या करने वाले हैं आज। बने रहिए पूरी वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और टिल द एंड वॉच द वीडियो। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं यहाँ पे टेंट सेटअप और सबसे पहले हम ओपन करेंगे। और कई वीडियोस में आपको दिखा चुका हूँ और भाई भी आज हमारे साथ ट्रेन में जाएंगे। तो हाँ, फर्स्ट टाइम है मेरा। फोन तुम्हारा देखो, फोन की लोकेशन बहुत ही होगी साइड में पूरा निकलेंगे। तो दोस्तों ये सबसे पहले बहुत ही इजी है यहाँ पे टेंट लगाना और शुरुआत करते हैं। देखिए अब यहाँ हमारा पूरा सेटअप, यहाँ पे हम यहाँ पे चूल्हा लगाने की तैयारी हो रही है। और कैमरा रख देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम चूल्हा लगा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम चिकन लाए हैं और आज चिकन की बहुत ही स्पेशल डिश आपको खिलाने वाले हैं। और देखते रहिए आप पूरे ब्लॉग को और नवल भाई भी हमारे साथ हैं। आ जाओ नवल भाई, चिकन धोते हैं सबसे पहले। पानी हम लाए हैं घर पे क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत समस्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ तो अब हम इसे मैरिनेट कर रहे हैं चिकन को सबसे पहले और फिर उसके बाद आग जलाएंगे क्योंकि आग वेस्ट जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम मैरिनेट कर रहे हैं अपना चिकन। देख सकते हैं आप चिकन हमारा। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक, नमक को अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि अंदर तक नमक इसके अंदर बैठ जाए। इसके अंदर कलेजी भी है और चिकन भी है।
और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला मैरिनेशन के लिए। अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं आप। इसको बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। ताकि अंदर तक मसाला बैठ जाए। देख सकते हैं। देखिए अच्छे से इस पर मसाला लग गया है। तो अभी हम जला रहे हैं आग। सुनील भाई कैसा, मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है। अभी तो आगे और मजा आने वाला है। और देखिए जब हमारी कुकिंग स्टार्ट होगी तो असली मजा तो तब आएगा। मैं मेज करके रख दिया हमने चिकन। और देख सकते हैं मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। सामने का नज़ारा, नदी बह रही है, शोर भी है। और ये सेफ जगह है आजकल बारिश के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा सांप कीड़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सेफ जगह है कैंपिंग करने की। तो अब हम जलाते हैं आग। देखिए दोस्तों, यहाँ जल चुकी है फायर उस पर आज, और सब चीज़ तैयार है। और दो तीन टिप्स आपको कैंपिंग में हर बार बताता हूँ कि जब भी आप कैंपिंग में आएँ तो अपने साथ 5 लीटर की कम से कम पानी की बॉटल लेके आएँ, और ज़्यादा दूर जा रहे हैं तो 20 लीटर की कैन लेके जाएँ। साथ में फ़र्स्ट एड किट रखें, और जो ज़रूरत की मेडिसिन, अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं वो ज़रूर रखें। और रास्ते में अगर गाड़ी वाड़ी से दूर जा रहे हैं तो पेट्रोल की कैन रखें साथ में। तो ये कैंपिंग टिप्स हैं कुछ। और ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे मतलब कम घास हो, पेड़ पौधे हों, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक मांबा मतलब सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह भी आ सकते हैं। तो बरसातों के टाइम में तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें, नीचे को ना जाएं, नदी की तरफ ना जाएं। तो आज हम हर बार नीचे लगाते थे कैंप, लेकिन इस बार हमने ऊपर को लगाया है, इसीलिए कि बारिश से बचे रहें और सांप कीड़ों से, क्योंकि आते ही अभी हमें सांप दिख गया था जब हम उधर की तरफ जा रहे थे। तो हमने एहतियातन यहाँ बहुत सेफ जगह पे कैंप लगाया है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं हैं, और क्योंकि गर्मी से और बारिश से सांप बहुत निकलते हैं और बहुत ही आपके साथ दुर्घटना हो सकती है ऐसे समय में। और इसलिए आप बहुत सचेत रहें, सावधान रहें। थैंक यू। और अब दोस्तों चल रही है बहुत बढ़िया हवा यहाँ पे, और अवल भाई ने भी और हमने कोल्ड ड्रिंक निकाल ली है, कोको कोला हमारी फेवरेट, और इन्जॉय कर रहे हैं। और आग धीरे धीरे जल रही है, हम ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे हैं क्योंकि चिकन मैरिनेट हो रहा है इस वजह से, तो धीरे धीरे जलने दे रहे हैं उसको। और मौसम भी बहुत सुंदर होता जा रहा है, तो मिलते हैं आगे, बने रहिए इस कैंपिंग ट्रिप में हमारे साथ। तो हमने अब कढ़ाई को रख दिया है आग के पास, ताकि जो हमने मैरिनेशन के लिए बटर डाला था उसमें वो पिघल जाए। फिर हम शुरू करते हैं अपनी रोस्टिंग, फिर आपको दिखाते हैं। और आग भी प्रॉपर जल गई क्योंकि काफ़ी गीला था, तो टाइम लग रहा है। और मैरिनेशन के लिए भी हमें चिकन को छोड़ना था, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो हमने यहाँ रख दिया है फ्राई पैन गर्म होने के लिए फाइनली, और अब इसके बाद शुरू करेंगे अपना फ्राई करना तंदूरी में चिकन अपना। ये रखा अपना चिकन। तो इसके अंदर हम डालने वाले हैं अब देसी घी, अपने फ्राई पैन गर्म हो चुका है। तो हमारे पीस बिल्कुल चॉप्ड हैं, हमने कर लिए लकड़ी पे चॉप्ड। अब जाने वाले हैं इसके अंदर, तो देखें कैसे बनते हैं। फिर देख सकते हैं आप चिकन की रंगत बदलती जा रही है धीरे धीरे, और हमारे चेहरे की रंगत बदलती आ रही है चिकन को देख देख के, पानी आ रहा है मुँह में। तो बस थोड़ा सा सफ़र करिए और फिर तैयार होने वाला हमारा चिकन, फिर आपको भी टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा रहा स्वाद। अब देखिए धीरे धीरे हल्की आंच पे ब्राउन होता जा रहा है, और ये देखिए आग भी बहुत प्यारी जल गई है इस समय हमारी, और चिकन का देखिए रंगत ही बहुत शानदार। मज़ा आ जाएगा एक बार आप आ गए हमारे साथ कैंपिंग में। कैंपिंग पर आने का तरीका यही है, सब्सक्राइब बटन दबाएँ, फॉलो करें, कमेंट करें अगर आप आना चाहते हैं हमारे साथ।
तो ज़रूर आपको वापस डीएम करेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर कैंपिंग पर जाएंगे तो ज़रूर आपसे बात करेंगे। देखिए बिल्कुल लाल हो चुका है, अब बस अभी इसे प्लेट में उतारेंगे और आपको टेस्ट करके बताने वाले हैं कैसा बना है। दिखने में तो बहुत ही लजीज है, और बस टेस्ट करके बताते हैं। कोल्ड ड्रिंक के साथ कोक रखी है, दुगना मज़ा होने वाला है। इसे निकालते हैं प्लेट में, ये देखिए और तैयार है। भाई ने खा लिया है, कैसा लगा? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्ट। और अब हम इसे टेस्ट करके बताने वाले हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये ब्राउनपन और इसका टेंडरनेस, मुंह में पानी आ गया और ऐसी आह, इसे कहते हैं जंगल का असली आनंद। बहुत ही शानदार बना है। सारी मेहनत, सारी जहाँ तक आने की मेहनत, कैंप लगाने की, पूरी सफल हो गई, बढ़िया करके एंजॉय कर रहे हैं इसे। ये देखिए, ये आ चुका हमारा, ये देखिए आ चुका हमारा सेकंड लॉट का चिकन। और देखिए कितना खूबसूरत, और ये देखिए इन वादियों में कितना खूबसूरत लजीज लग रहा है। अंदर तक पूरा फ्राइड, भुना हुआ, मज़ेदार, मसालेदार, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और हमने अपना टेंट हटा दिया है क्योंकि अब थोड़ा पैकअप का भी टाइम आ गया है और अब निकलेंगे थोड़ी देर में खा पी के। बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है, आप भी आनंद ले सकते हैं ऐसी खूबसूरत वादियों में। और बहुत ही शानदार यहाँ पे समय, शाम का मौसम हो गया है, पीछे देख सकते हैं आप मेरे सब। और फिर कल से शुरू होने वाली है नई ब्लॉग की सीरीज़, और उसकी तैयारी में लग गए हैं भाई लोग हमारे आज। और देखिए कल सुबह से मिलने लगेंगे अपडेट। इंस्टाग्राम पे भी खोजी अनुपम पे आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को नए हो तो। थैंक यू, आपने पूरी वीडियो देखी। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, छोटी छोटी रील्स इंस्टाग्राम पे भी खोजी अनुपम के नाम से सर्च कर सकते हैं। और देखिए जैसी जगह हमें क्लीन मिली थी वैसी हमने छोड़ी है, आग भी हमने बुझा दी है पूरी तरह, और सारा सामान अच्छे से यहाँ पे, कोई भी कूड़ा हमने नहीं छोड़ा है। तो आप भी कहीं भी कैंपिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत भी कूड़ा ना छोड़ें, साफ़ सफाई, एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, आग जरूर बुझा दें क्योंकि जंगल बहुत ही प्रेशियस हैं हमारे लिए, क्योंकि ये सुंदर वादियाँ बिना जंगल के बेकार हैं, ऑब्वियसली बिना किसी काम के हैं। और हमारे साथ थे आज MCM ट्रैवल व्लॉग से नवल जी, और काफ़ी मज़ा आया भाई को भी आज, तो एक्सपीरियंस जानते हैं आज। फर्स्ट टाइम इन्होंने कैंपिंग एक्सपीरियंस करा खोजी अनुपम के साथ, और वैसे अपना भी पर्सनल फर्स्ट टाइम करा, तो कैसा लगा? तो सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा अनुपम भाई आपको। वेलकम, बहुत बहुत, क्योंकि आपकी वजह से मैंने, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा कैंपिंग का और ऐसे जंगल में कुकिंग करने का। तो ऐसे ही हम आपके लिए व्लॉग लाते रहेंगे और होप कि ऐसे ही आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे। और ये तो मेरा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा था, और अनुपम भाई ने कुकिंग करी तो काफ़ी मज़ा आया। और दो महीने पहले भी हम साथ में लाए थे बिनसर का ब्लॉग, अल्मोड़ा का ब्लॉग, तो आप जाके पीछे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है भाई की चैनल की, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्यार दीजिएगा। और फ्यूचर में अभी हमारे प्लान बन रहे हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही ब्लॉग और लाते रहेंगे, और सोच रहे हैं कि हम और ट्रैवल करें और एक्सप्लोर करें, तो आपको ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे एक से एक और अच्छे से अच्छे। बस आपको क्या करना है, प्यार देना है, इस घंटी को दबाना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको ऐसे ही खूबसूरत जगहों के ब्लॉग मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू खोजी अनुपम यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आपसे अलविदा कहता हूँ, प्यार सलाम कहता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ, सलाम वालेकुम कहता हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग में, थैंक यू सो मच।